आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही लाजवाब सुपर टेस्टी रसमलाई की रेसिपी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से घर पर रसमलाई कैसे बनाएं। तो चलिए गाइस रेसिपी शुरू करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर दूध, इसको हम भगोने में डाल देंगे। इसका हम बनाएंगे छेना, कुछ लोग पनीर भी कह देते हैं। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे फिटकरी, या फिर आप नींबू डालकर या विनेगर डालकर भी इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिटकरी डाल दी है और गाइस ये देखिए हमारा छेना कितनी अच्छी तरह से बन रहा है। छेना हमारा बनकर तैयार हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसका पानी जो है वो हम अलग निकाल देंगे। इस तरह से कोई भी आप कपड़ा रखकर किसी बर्तन पर इस तरह से इसका पानी जो है वो निकाल लें और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे जिससे ये अच्छी तरह से हम इसको निचोड़ सकें। छेना जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में और इसे अच्छी तरह से हम मस लेंगे। इसमें हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अरारोट का भी नहीं, और बिना चाशनी के बनाएंगे। एक रसमलाई चाशनी में डालकर भी बनाते हैं लेकिन हम चाशनी के बिना बनाएंगे। तो मैंने खूब मस लिया, मैं इसमें डाल रही हूँ 3-4 चम्मच दूध के, जिससे यह सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपका छेना जो है वो ड्राई लगे तो आप दूध डालें, वरना आप रहने दें। इस तरह से आप रसमलाई बनाकर तैयार कर लें। पहले इसे इस तरह से गोल कर कर तरह से हाथों की मदद से दबा दें। ये देखिए इसी तरह से हम सारी रसमलाई बनाकर तैयार कर लेंगे। रसमलाई हमारी बन चुकी है, अब हम बनाते हैं इसके लिए दूध। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर दूध। दूध थोड़ा सा बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे चीनी। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। चीनी डालने के बाद गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा दूध, उसमें डाला है मैंने 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसको हम मिलाएंगे, इसका घोल बना लेंगे। अब इसको डालेंगे हम दूध में, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर हम इस तरह से मिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। इसमें कलर थोड़ा लाइट रहा है तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, जिससे इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। अगर मैं इसमें कस्टर्ड और डालूँगी तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। आप भी थोड़ी सी हल्दी डाल लें। यह देखिए कितनी अच्छी तरह से दूध उबलने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मैंने बादाम डाले हैं। इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से। दूध काफ़ी तरह से पक चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे रसमलाई जो हमने बनाकर रखी है। 10-15 मिनट मैंने रसमलाई के पीसेस को बनाकर रखा था, फिर दूध बनाया है मैंने। आप ध्यान रखें गाइस, 10-15 मिनट पीसेस को बनाकर ठहरने दें जिससे वो सेट हो जाएं। यहाँ पर गाइस मैंने लो फ्लेम पर ढककर इसे 5-7 मिनट के लिए पकाया है। ये देखिए एक भी पीस टूटा नहीं है, बहुत ही अच्छे से बनी है। गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है। यहाँ पर रसमलाई जो है वो हम सारे पीसेस के निकाल लेंगे एक बाउल में। ऊपर से हम डाल देंगे मिल्क, फिर हम दोबारा से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सभी दूध डाल दिया है। रसमलाई जो है वो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये देखिए गाइस कितनी अच्छी तरह से हमारी रसमलाई बनी है। अभी मैं आपको एक पीस तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से टूट जा रही है, बहुत ही बढ़िया रसमलाई बनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।